ये मिलो हमारे नन्हे मेहमान से। ओए ये तो रोज आकर मेरे को दोनों परेशान ही करते हैं, ये वाला और वो वाला, रोज लड़ाई करते हैं दोनों। पोटी करके आया आज? है भाई माधव पोटी करके आया। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। कैसे आप सभी, उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और परी अपना हाल खुद बताएगी क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और एक और गाइस, अंश बोल रहा है ना कि हॉस्पिटल जाना चाहिए, है ना अंश, लेके जाऊँ हॉस्पिटल? हाँ ले जाओ, चले परी। देखो परी को हॉस्पिटल नहीं जाना, और देख लो कैसी होगी, एक दिन में सुखड़ी सी होगी। पापा का फोन आया था, बोल रहे हैं हॉस्पिटल ले जाओ। चल तो खाने से क्या मतलब है, ठीक होना है ना? मतलब खाना तो आप यहाँ पे भी नहीं खा रहे हो ना? क्या खा रहे हो, चल बताना आप क्या खाया। कैसी हो रही है? बिल्कुल सूखी सी होगी, बिल्कुल आके सूखी सी। माधु हाय कर दो, हेलो गाइस कर दो, है ना। रोज रोज आप मेरे को देखते हो, आज आपको बहुत सारे जन देखने को मिल रहा होगा ना। इसको है ना, इसको देखते ही लग गया कि मैं व्लॉग बनाऊंगा। ये तुरंत मेरे से स्टिक मांग लिया। चलो अभी तो नहीं आ रही उल्टी, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। फीवर अभी नहीं है। देखो पर से लड़ रही है कि तुझे, मुझे वो कह रहा है हॉस्पिटल चली जाए, तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन परी को लग रहा है कि पता नहीं क्यों भेज रहा है मुझे, है ना। मेरी कर रहा है एक्चुअली, है ना, उल्टी कर करके आंटी को परेशान करती होगी। अरे मैं भी तो बोर हो जाता हूँ, मुझे खेलने नहीं आती। बस चल आ जा नीचे, अभी चल खेल लेंगे नीचे। तो जाके खेल लेगी, शाम को गई तो थी नीचे, गई थी नीचे, कल शाम गई थी। फिर इसके पापा आ गए, वो सैटरडे देखो रोज संडे है, रोज मुझे लेट उठना है। मम्मी कहेगी ऐसा तो पूरा महीना ये तो पूरा महीना सो के निकाल लेगी बेड में पड़ी पड़ी। वही तो कहेगी मम्मी 5 बजे उठने का, उठूंगी नहीं 8 साल। हाँ नहीं तो खेलने में नहीं जाती नीचे। अरे नहीं जाना, कितना लड़ते हो तुम दोनों।
जब मैं लगा रही हूँ पौधे और जब भी मैं कोई भी काम करने बैठती हूँ तो अभी का होना वहाँ पर जरूर पाया जाता है, क्योंकि ये लड़का बिल्कुल भी कुछ भी काम नहीं करने देता है। और इसी चीज़ से मैं इस पर गुस्सा भी करती हूँ। देखो चाकू हाथ में उठा के कर रहा है ये, तो बस डर रहता है कि कोई चीज़ हाथ में लग ना जाए। और ये था पुदीना। पुदीना मैंने एक प्लास्टिक का, मेरे पास छोटू सा टब था, क्यूट था, उसमें लगाया है, क्योंकि ये अब मेरे किसी काम का नहीं था। ये मम्मी ने दिया था पता नहीं किस चीज़ के लिए, तो इसको मैं इसमें मैं पुदीना लगा दे रही हूँ, क्योंकि पुदीने को फैलने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। और मेरा घर इतना स्पेसियस नहीं है कि बड़े बड़े वाले जो होते हैं ना गमले, वो लंबे लंबे से वो मैं लगाऊँ, तो मैंने इसका ही इस्तेमाल कर लिया इसमें। और अब जो है पुदीना मेरा लगकर रेडी है। और इधर देख लो अभी की शैतानियाँ चल रही हैं, ये लग गया है, इसको रख दूंगी मैं साइड में। इसको मैं अलग रखूंगी क्योंकि पुदीनों को ज़्यादा पानी चाहिए होता है, तो उसी के लिए। और अब मैं बाकी गमलों की मिट्टी करूंगी खाली, इसमें नहीं डालूंगी क्योंकि इसमें ना बहुत सारे छेद हैं गमले में नीचे, तो उससे क्या होता है कि मिट्टी से होकर पानी नीचे निकल जाता है। और जो ये मेरा वाइट वाला गमला है, इसमें मैंने एक पौधा लगा रखा था जो मल्टी कलर के पत्ते उस पर आते थे, फ्लावर नहीं आते थे। और इधर ना अभी मेरे को परेशान कर रहा था, मिट्टी डाल रहा था, परी को भी थोड़ा ठीक लग रहा था तो वो भी मेरे पास आकर बैठ गई थी। तो ये वाला जो वाइट वाला गमला है ना गाइस, इसकी मिट्टी खुली नहीं थी, तो मैं जैसे तैसे करके कोशिश तो कर रही थी लेकिन खुद ही नहीं। तो फिर मैंने इसको उल्टा करके जैसे ही निकाला तो इसमें निकली बहुत सारी चींटियाँ, और चींटी निकल, ये मेरे को नज़र भी नहीं आई। परी ने मुझे बताया कि मम्मा इसमें चींटियाँ हैं, तो मैं इनको भरकर बाहर वापस रख कर आऊँगी और दूसरे पौधों में लगाऊँगी। और मैं लाई थी दो तरह की तुलसी, उनको भी मुझे लगाना है। ये देखो इसमें चींटियाँ मिली हैं, तो मैं इसको मिट्टी को जल्दी से भर के उठा के बाहर रख कर आने वाली हूँ। तो गाइज इसमें मैं मिट्टी को कर रही हूँ यहाँ पर बारीक। और इसमें मैंने जो उपले होते हैं ना गाय में या भैंस के गोबर के उपले होते हैं, वो भी मैंने इसमें कूट लिया ताकि खाद बराबर से मिल जाए। और जो ये रेड वाली मिट्टी थी ये इसमें खाद मिला हुआ था, तो ये भी मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। और इसी में मैं वाइट वाले गमले में अब अपने लगा दूंगी सदा बाहर वाला प्लांट लगाऊंगी, क्योंकि उस पर हमेशा ही फ्लावर वगैरह आते रहते हैं जब भी वो लगता रहता है। तो मैंने उसको बड़े गमले में लगाया क्योंकि मैं उसको मेन गेट के बाहर प्लेस कर दूंगी। और परी की तबीयत गाइज ऐसी है कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए व्लॉग नहीं डाला। और जब मैं एडिट कर रही हूँ तो आज परी एडमिट हो चुकी है हॉस्पिटल में। हमें उसे अर्ली मॉर्निंग ही सुबह सुबह ही करना पड़ा क्योंकि उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, स्टमक पेन उसको ज़्यादा हो गया था। डॉक्टर ने बोला है कि उसको इन्फेक्शन के भी लक्षण हैं, लेकिन उसको ज़्यादा पीलिया का बताया है डॉक्टर ने, वॉमिट उसकी बंद नहीं हो रही थी और उसको स्टमक पेन भी ज़्यादा हो रहा था। हाँ उसको अब फीवर नहीं है, पहले उसको दो तीन दिन फीवर आया है, उसके बाद उसको वॉमिट लगी। और यहाँ पर गाइस मैंने वापस से निकाला है क्योंकि अगर पौधा जो होता है ना वो बीचों बीच ना लगे ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। एक साइड से मैं नहीं लगाती हूँ पौधों को, तो ये दोनों साइड से मैं डाल रही हूँ और परी मेरी हेल्प कर रही है। परी को ना लेटे लेटे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसने बोला मम्मा मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। तो इसी तरीके से अब मैं सारे पौधे अपने गमलों में लगा लूँगी और फिर बाद में इनको बाहर रख कर डालूँगी पानी, और मुझे यहाँ की सफाई भी करनी है। Thank you.
ये म्यूजिक सिस्टम का रिमोट इसने इधर फेंक रखा था बाथरूम में, तो ये लड़का घर में कुछ छोड़ेगा नहीं। गाने बज रहे किसी के नीचे, उठ जाओ बेटा। ये मनी प्लांट वाला रह गया है, ये ना बाहर पत्थर वाले में लगाऊंगी, जो सीमेंट का है ना गमला उसमें लगाऊंगी। अब मत आइए, क्या हो गया, क्या हो गया? खिलौना दौड़ना दौड़ना था ये। किसने किसे मारा? किसने? मेरे भाई ने इसे मारा। हाँ, ये देखो ये लड़ाई करते रहते हैं हर बार। फोकस नहीं है, कैमरा दिख रहा है। ये क्या कर रहे हो? अरे वो ना एलोवेरा का पौधा था किसी ने। इसे देखो ये यहाँ पे खेल इस वीडियो के ऊपर जा रहा है, आंटी यहाँ पे काम कर रही है। तो आंटी आ रही है वहाँ। सो फ्रेंड्स, सारा काम मेरा हो चुका है, झाड़ू पोछा भी मैंने कर दिया क्योंकि बच्चे यहाँ पर घूमते हैं, इसीलिए मैंने क्लीन करा है। दो बच्चे वहाँ पर लड़ रहे हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसी के साथ फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड राधे राधे।